विठल 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 नाम का जय घोष करते करते हाथों में वीणा और सर पर तुलसी लेकर हजारों विठल भक्त संत तुकाराम महाराज की पालकी लेकर जिस गांव से गुजरते हैं उस पावन गांव का नाम है चारहोली। महाराष्ट्र राज्य के पुणे के पास चाकण से 15 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव, जिसे आज जेसीबी विलेज के नाम से भी पहचाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई साल 2011 में श्री शशिकांत बर्डे। ये आज बस एक नाम नहीं, एक नई सोच है जिन्होंने जेसीबी मशीन्स के साथ की एक नई शुरुआत और अपनी पहली जेसीबी एक्सकवेटर खरीदी। शशिकांत जी जेसीबी एक्सकवेटर्स के साथ अपने तरक्की का रास्ता बनाने के मिशन पर चल पड़े। मैं फार्मर हूँ, मेरे घर की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन मुझे हमेशा लड़ने की आदत है। मैं शुरू किया जीरो से, मतलब जब मेरी आमदनी 100 रुपये दिन की भी नहीं थी, तभी मैं जेसीबी का मशीन लिया। जब भी मैं मशीन लिया तभी चरोली का डेवलपमेंट एकदम 10% भी नहीं था। आज तो चरोली पूना और पिंपरी चिंचवड में डेवलपमेंट में नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नंबर 1 है। जेसीबी के मदद से मानो उनकी जिंदगी को नई रफ्तार ही मिल गई। उनकी प्रगति से प्रेरणा लेकर देखते ही देखते पूरा चारहोली गांव अपने तरक्की के मिशन पर चल पड़ा। आज उनकी एक छोटी शुरुआत से इस गांव में लगभग 50 जेसीबी एक्सकवेटर मशीन्स आ चुकी हैं। गाव 1997 पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेत गेलं, त्यानंतर गावाच्या विकासाला एक गती मिळाली आणि त्या सगळ्या गावाच्या विकासामध्ये जेसीबीचा वाटा खूप मोठा आहे। एक्सकवेटरमुळे काय होतं आहे की काम हे फास्ट होतं आहे, त्यामुळे आमचा इन्कम सोर्स वाढला। जेसीबीच्या माध्यमातून एक चांगलं नवीन पाऊल आणि जीवनाला एक नवीन दिशा मिळाली आहे, त्याच्यामुळे जेसीबी कंपनीचा आमच्या आणि आमच्या सर्व गावाशी एकदम चांगल्या प्रकारचे ऋणानुबंध जोडलेले आहेत। सब मशीन जेसीबी के ही क्यों है, तो जेसीबी का हेल्पिंग नेचर जो है वो अच्छा है। जेसीबी की जो वर्किंग टीम है वो बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है कंपेरेटिवली टू अदर मशीन। इजीली सब स्पेयर अवेलेबल होते आज भी। जेसीबी कंपनी जर नसती तर आज जी काही डेव्हलपमेंट एवढी दिसती ती झाली नसती। जेसीबी ने अपने मजबूत मशीन्स की तरह ही चारहोली गांव के हर जनरेशन का मजबूत विश्वास भी कमाया है। इस चारहोली गांव की तरह भारत के हर गांव में जेसीबी का तरक्की का मिशन ऐसे ही जारी रहेगा।